नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे। कुछ लोगों के सवाल थे कि आंसर की उन लोगों ने देख ली है, रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा। तो जो आप लोगों का रिजल्ट है वो मार्च के पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते में देखने को मिल जाएगा। हमने 15 तारीख की डेट बताई थी कि 15 मार्च तक आपका रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट जल्दी भी आ सकता है क्योंकि CBSE जिस रफ्तार से काम कर रहा है उस रफ्तार को देखते हुए, क्योंकि बिहार में शिक्षक भर्ती होने वाली है 7वें चरण की, इसलिए रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। 5 लाख से ज़्यादा छात्र बिहार से केवल बैठे थे इस परीक्षा में, इसलिए रिजल्ट जल्दी आना लगभग तय माना जा रहा है। उसके अलावा कुछ लोगों के सवाल थे वो पहले ले लेते हैं। रिजल्ट के बारे में जो लोग वीडियो देख रहे थे तो आपको बता दें, रिजल्ट आपका जो है वो 15 मार्च मैक्सिमम, मान के चलिए कि 15 मार्च मैक्सिमम रहेगा, उससे पहले ही आपको देखने को मिल जाना चाहिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा संभावना है। उसके अलावा बिहार के 7वें चरण की भर्ती की वजह से रिजल्ट जो है आपका जल्द आ जाएगा, तो जो 7वें चरण की भर्ती है उसमें आप लोग अपियर हो पाएंगे, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल था कि कुछ छात्रों के 81 अंक आए हैं, OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी या ST कैटेगरी से हैं, अगर आप 81 अंक लेकर आए हैं तो 1 से 2 अंक की संभावना रहती है, तो आप लोग बिल्कुल भी नाउम्मीद मत होइए कि 1-2 अंक का असर नहीं देखने को मिलेगा। ज़्यादा असर नहीं दिखता CTET में, 1 या 2 अंक मैक्सिमम, पिछले वर्ष 2 अंक तक दिखा था किसी को, किसी को 1 अंक बढ़ा था, तो 1 और 2 अंक के लिए तो आप जिसका 1 या 2 अंक, अब ये बात और है जब रिजल्ट आ जाएगा फाइनल तो कुछ लोगों का 1 अंक बढ़ेगा, 2 अंक बढ़ेगा, किसी किसी का नहीं बढ़ेगा, तो वो लोग बाद में आकर कमेंट करेंगे कि मेरा तो बढ़ा ही नहीं। तो आपको बता दें, अगर आपकी परीक्षा जो हुई है उस शिफ्ट में अगर परीक्षा का जो लेवल था अगर वो कठिन था, नॉर्मलाइजेशन में अगर वो पेपर का जो शिफ्ट थी वो कठिन रही होगी तो फर्क आपको देखने को मिलेगा। अगर आपकी परीक्षा की शिफ्ट आसान रही है तो फिर आप भूल जाइए कि फर्क देखने को मिले। तो इसलिए याद रखिएगा, परीक्षा के शिफ्ट पे डिपेंड करेगा कि परीक्षा की शिफ्ट अगर कठिन रही है तो 1 से 2 अंक देखने को मिल जाएंगे बढ़े हुए, नहीं तो फिर मुश्किल रहता है। 5-10 अंक की बात जो लोग कमेंट में कर रहे थे तो वो नहीं हो सकता, इस बात को याद रखिएगा। CTET में कभी भी 5 से 10 अंक नहीं बढ़ाए जाते, इस बात को याद रखिएगा और आप लोग तैयारी करिए। कुछ लोगों ने सवाल किया था अगला CTET कब आएगा, तो जिस रफ्तार से काम हो रहा है हो सकता है जुलाई में नोटिफिकेशन आपको देखने को इस बार मिल जाए, क्योंकि पहले CTET 2 बार होता था और इस वर्ष से CTET इस वर्ष और पिछले वर्ष कोरोना की वजह से 1 साल में 1 बार ही हो पाया, लेकिन अगले साल से हो सकता है 2 बार CTET की परीक्षा हो। अगर इस बार जिन्होंने CTET की परीक्षा क्वालिफाई कर ली उनके लिए अच्छी खबर ये है कि DSSB की भर्ती भी आ रही है, उसमें आप लोग बैठ पाएंगे, तो उसके लिए आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब कुछ लोगों के सवाल थे कि मेरा 91 अंक है, क्या मेरा कम हो सकता है, तो आपको बता दें अगर आपका स्कोर 91 है तो आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपका स्कोर कम होगा, ऐसा नहीं है। जो 91 है तो वो लगभग पास हैं और उनको सोचने की कुछ समस्या नहीं है। एक सवाल था कि जो बिहार के छात्र हैं और SC और ST कैटेगरी के हैं उनको कितना अंक चाहिए, तो 75 अंक हमने बताया था, 75 अंक यानी 50%। वहाँ पे जो नियम है SC ST के लिए 50%, OBC के लिए जो है 55% और जो सामान्य वर्ग है उसके लिए 60% अंक का प्रावधान है। उसके अलावा अगर महिला वहाँ की सामान्य वर्ग की है तो उसको भी 82 अंक में पास माना जाता है, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें, जो कि पहले से हमने वीडियो में बता रखा है। अब कुछ लोगों के सवाल थे कि जो हमारा इस बार का रिस्पॉन्सिव क्यू है तो वो हमें 9 नंबर दिख रहा है, कुछ में 1 और 3 दिख रहा है, तो इसका क्या मतलब है। जहाँ पर आपको 9 दिख रहा है उसका मतलब है 1 अंक आपको मिला है, यानी कॉमन अंक सभी को उसका दिया गया है, इस बात को याद रखिएगा। जहाँ पर 1 और 3 नजर आ रहा है उसका मतलब होता है कि 1 और 3 का मतलब 2 विकल्प सही हैं, या 1 और 4 लिखा हुआ है इसका मतलब है 2 विकल्प वहाँ पे सही चुने गए हैं, यानी आपने पहला चुना है या 4था विकल्प, अगर दोनों में से कोई भी आपने विकल्प चुना है तो आपको अंक मिलेगा। तो इसके लिए भी आप लोगों के काफ़ी कमेंट थे, जो आप लोगों की उम्मीद है समझ में आपकी चीज़ें आ गई होंगी। कुछ लोगों के ऐसे सवाल रहते हैं कि जो OBC कैटेगरी है उसको कितने क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, तो स्टेट में देखिएगा ये आप पे डिपेंड करेगा, आपको केंद्र की भर्ती देखनी है तो आपके पास केंद्र का सर्टिफिकेट होना चाहिए कैटेगरी का, नहीं तो आपको फिर सामान्य श्रेणी में गिना जाएगा। अर्थात हो सकता है कुछ ऐसे छात्र हैं जो कि अपने राज्य में वो OBC में आते होंगे, लेकिन जब वो केंद्र की भर्ती देखते हैं तो वहां पर वो OBC में नहीं आते होंगे, तो उनके लिए 90 अंक लाना अनिवार्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप राज्य में OBC में आते हैं तो ये जरूरी नहीं कि केंद्र में भी OBC आए, अगर OBC अब केंद्र में भर्ती OBC से देखना चाहते हैं तो आपके पास केंद्र का OBC प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जिस छात्र के पास केंद्र का OBC प्रमाण पत्र, SC प्रमाण पत्र या ST प्रमाण पत्र नहीं है तो वो लोग फिर सामान्य श्रेणी में गिने जाते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों के सवाल थे तो जो इस बार क्राइटेरिया है वही पिछली बार की तरीके है, सामान्य वर्ग के लिए 90 अंक, OBC के लिए 82 अंक, OBC हो, SC हो, ST हो, सबके लिए 82, लेकिन बिहार राज्य से हैं तो ST और SC के लिए
50% अंक यानी 75 अंक में उत्तीर्ण माना जाता है। तो उम्मीद है सारे सवालों के जवाब आपके मिल गए होंगे, फिर भी कोई सवाल आपका रह जाता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, प्रयास करेंगे कि आपके उन सवालों के जवाब हम दे पाएं।